बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर किसानों से बात करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है, जो कि आज दोपहर को किसानों के प्रतिनिधियों से मुराड़ी ग्राउंड जाने को लेकर बातचीत करेगी। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि आईबी के एक बड़े अधिकारी ने भी सिंगोर टीटी बॉर्डर का दौरा किया है। हमारे साथ ज्वाइंट कमिश्नर एसएस यादव साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, फिलहाल की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? स्थिति शांतिपूर्वक है, सामान्य है, और आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल जो किसान है वो भी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, और पुलिस जो इंतजाम है वो आप देख रहे हैं। पिछले दिनों में आराम से पुलिस ने इंतजाम को सही ढंग से अंजाम भी दिया है और मुस्तैद हैं सभी लोग। सर, मुराड़ी का ग्राउंड आपने पहले ही दिया हुआ दिल्ली पुलिस ने इनको, कल गृह मंत्री ने भी अपील की है, तो क्या मुराड़ी के ग्राउंड पर कुछ किसान तो चले भी गए हैं, क्या ये लोग जाने को तैयार हैं? देखिए, वहाँ पर करीबन 500 के आसपास ऑलरेडी किसान पहुँच चुके हैं, 35-40 ट्रॉली वहाँ पहुँच चुकी है और लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आप अभी कम्युनिकेट किया है पुलिस ने किनसे, क्योंकि कल गृह मंत्री ने भी किया कि कम्युनिकेट कर रहे हैं आप इनसे कि आप ये चले जाए धीरे धीरे करके? सही नहीं, ये भी इनको कम्युनिकेट हो चुका है, कुछ ना कुछ सकारात्मक जो परिणाम आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तकलीफ तो आई रही होगी यहाँ पर आवागमन में, अगर काफी वक्त तक यहाँ पर बैठे रहे तो मुश्किल तो होगी। देखिए, पुलिस का काम है व्यवस्था को बनाए रखना और शांति कायम रखना। मुझे लगता है कि पुलिस दोनों जो बिंदु हैं उस पर सफल रही है और आगे भी जो है शांतिपूर्वक इस इंतजाम को अंजाम देगी। सीधा चलेंगे अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से।